महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। जो दोस्त हैं वहां दोस्ती वाली बात नहीं हो रही है, जहां खींचतान रही वहां से कयासबाजी है और वहीं पर सस्पेंस भी है। दो सियासी धड़ा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसकी ओर से बोल रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे का साइड इफेक्ट ऐसा है कि विधानसभा चुनाव तक सियासी तस्वीर बदल जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, नतीजे के बाद जबरदस्त उबाल है, दो गुटों में खींचतान है, अपने अपने बयान है, महाअघाड़ी गदगद है, पर क्रेडिट की जंग है। उद्धव गुट ने तो विधान परिषद में एकला चलो का राग छेड़ दिया, सबसे ज्यादा सीट जीतकर कांग्रेस के तेवर भी बदल गए हैं, तो भतीजे को चित करके चाचा भी कम खुश नहीं। महायुति में अलग ही हलचल है, सीटें कम आई है तो सवाल गठबंधन तक पर है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने हार का ठीकरा अजीत गुट पर फोड़ा तो गठबंधन में भी वॉक युद्ध छिड़ गया। जो है पीछे हार हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है, जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता। सब कुछ ठीक तो एनसीपी के अंदर खाने में भी नहीं लगता, वरना अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया तो भुजबल ये नहीं कहते कि राज्यसभा जाने का मन तो उन्हें भी है। मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो बैठे और उन्होंने जो है काफी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। नतीजे के साइड इफेक्ट गठबंधनों तक सीमित नहीं है, अब तो हार जीत में हिंदू मुसलमान को भी जोड़ दिया गया है। महायुति ने उद्धव की शिवसेना की जीत को मुस्लिम प्रेम बताकर हमला किया। त्यांच्या खातर त्यांनी हिंदू बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो म्हणणं सोडलं होतं आणि गेले वर्ष दीड वर्ष ज्यांच्या करता त्यांनी बाळासाहेबांचं नाव हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे वरनं जनाब बाळासाहेब ठाकरे केलं होतं। महाराष्ट्र में सिर्फ 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लोकसभा के नतीजों के बाद सारे दल अपने अपने रास्ते तय करने में जुट गए हैं। सवाल 288 सीटों पर हिस्सेदारी का है, जाहिर है कोई खुद को कमतर नहीं आकेगा। ये जंग गठबंधन के अंदर भी है और बाहर भी, गुस्सा नाराजगी बयानबाजी मान मनोबल की ये वानगी शुरुआत भर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो समुद्र में काफी लहरें उठेंगी, अभी तो पानी काफी बहेगा। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, नाराजगी का दौर चल रहा है, मान मनोबल चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में ये जो ट्रायंगल है इसकी तस्वीर विधानसभा चुनाव आते आते बदल जाएगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले ही अलग पार्टी बना के आए, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे वो शिंदे हो, वह वापस जा सकते हैं, क्या ऐसी सूरत हाल हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और जिस तरह से अब डेटा यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि अजीत पवार एनसीपी का गुट हो, उनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था जिसमें माइनॉरिटीज बड़ी संख्या में आते थे, वो कहीं ना कहीं खिसकते नजर आ रहे हैं, जिसकी चिंता उन्हें सता रही है। तो दूसरी तरफ जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना लड़ाई में भले ही एकनाथ शिंदे कुछ लाख वोट से आगे चल रहे हो, लेकिन क्या सभी मराठी वोट्स जो है वो एकनाथ शिंदे को मिल पाएंगे, या उसका भी डिवीजन होगा, वो भी उद्धव के पास जाएंगे, कुछ एमएनएस राज ठाकरे के पास जाएंगे, ये चिंता एकनाथ शिंदे को सता रही है। और ऐसे में जहां पर बीजेपी महाराष्ट्र में 45 प्लस का नारा दे रही थी, उस बीजेपी को केवल 9 सीटें मिल पाई है इस लोकसभा चुनाव में। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो तीनों पार्टी मिलकर क्या वोटिंग परसेंटेज ला सकती है, किसको किसका फायदा होगा, किसको किससे नुकसान हो रहा है, इस पर सोच विचार चल रहा है। और मुझे लगता है ये सारा मंथन एकाध महीने तक चलेगा और उसके बाद ही सभी पार्टी अपने स्तर पर ये निर्णय लेगी कि साथ में लड़ना है या अलग अलग जाना है। ठीक है।